I mean, hum ya mic? बहुत ही मज़ेदार. आई थिंक जैसा कि आपने कहा, ये एक्सपीरियंस ही ब्लॉकबस्टर था, क्योंकि जितना मज़ा हमें ये गाना बनाने में आया, सुनने में आया, आई थिंक वो सब स्क्रीन पर झलकता है. एंड ऑफ कोर्स अगर असीस कौर की खूबसूरत आवाज़ और एमी वर्क ने ये गाना गाया हो तो हमारे साथ साथ हिंदुस्तान का झूमना तो मतलब जायज़ ही है. सेम सेम. अब मैं यही बोलने वाला था, अभी उसने बोल दिया. माई सेंटिमेंट्स एग्जैक्टली. नहीं, लेकिन बहुत मज़ा आया. गाना तो ब्लॉकबस्टर है और रिस्पॉन्स भी ब्लॉकबस्टर आया, तो बहुत खुशी हो रही है. 10 मिलियन ऑलरेडी पहुंच गए, अब होपफुली 100 मिलियन वेरी वेरी सून. ब्यूटीफुल, जैसा कि मैंने लोकेशन की बात की, बहुत ही ब्यूटीफुल है, तो थोड़ा बहुत आप लोग बताना चाहेंगे कि कैसा रहा शूटिंग का? तो ये ब्यूटीफुल लोकेशन यूरोप के एक बहुत ही हसीन ये VFX था, तो हमने ये ब्लूप्रिंट के पे शूट किया. तो हैट्स ऑफ टू द VFX टीम हु हैज मेड इट लुक सो फैंटास्टिक एंड ब्यूटीफुल. बिल्कुल. हम एक स्टूडियो में हमने गाना सुबह से लेके अगले सुबह तक शूट किया. 21 घंटे का शूट था और हमें पता भी नहीं चला, क्योंकि हमें इतना मज़ा आ रहा था. और एक ग्रीन स्क्रीन पर शूट किया, और बाकी जो भी लोकेशन आप देख रहे हैं वो हमारे VFX टीम ने हमें वहाँ पहुँचा दिया. तो सोना मैं, असीस जी की आवाज़, एमी सर की आवाज़ और मेरे एब्स, बाकी सब फेक है. तो हम 5 ओरिजिनल रियल है और बाकी सब फेक. ओके, आप बताइए कि इस गाने से रिलेटेड कैसा एक्सपीरियंस रहा सोनाक्षी सिन्हा जी? बहुत अमेजिंग रहा, बिकॉज गाना, जैसे आपको मालूम है, टाइटल ही ब्लॉकबस्टर है और उतना ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है गाने को. आई एम रियली हैप्पी, एंड स्पेशली ये जो ब्लॉकबस्टर जोड़ी है जिसने फीचर किया है, वो गाने को और 4 चांद लगा दिए हैं. ऑलरेडी 10 मिलियन क्रॉस हो चुके हैं और मुझे लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि डेफिनेटली और बहुत प्यार मिलेगा गाने को. बिल्कुल सोनाक्षी सिन्हा, मैं, असीस जी की आवाज़, एमी सर की आवाज़ और मेरे एब्स रियल थे, बाकी सब फेक. एंड सोनाक्षी जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि टाइम अब बहुत ही चेंज हो चुका है, एक म्यूजिक वीडियो हिट होता है तो जितनी पॉपुलरिटी मिलती है, एक फिल्म जितनी हिट होती है उससे उतनी ही तकरीबन या उससे ज़्यादा मिलती है, तो क्या हम ऐसा माने कि बैक टू बैक ऐसे म्यूजिक वीडियो और भी हम देखेंगे सोनाक्षी जी की तरफ से? अगर मुझे गाना पसंद आया तो ऑफकोर्स मैं करना चाहूँगी, क्यों नहीं. आई डोंट थिंक अभी वो लाइन्स इतने डिफाइंड है, काफ़ी ब्लर हो चुके हैं, और म्यूज़िक और फिल्म्स तो साथ ही चलते हैं, यू नो. सो आई डोंट लुक एट इट एज समथिंग एल्स. अगर मुझे गाना पसंद आया मैं ज़रूर करूँगी, क्यों नहीं. आप बताइए कि और कितने म्यूजिक वीडियो देखने वाले हम सोनाक्षी जी के साथ? मुझे ऐसा लगता है कि इनके साथ जब यहाँ बोलेंगी सोनाक्षी से, मैं आपको हाँ बोलेगी म्यूजिक वीडियो करने के लिए, आप नहीं करोगे. तो सोना जब हाँ बोलेगी, मैं ऐसा बॉडी बना के रेडी आ जाऊँ. तो अभी तकरीबन कितने ऐप्स हैं आपके पास? 1, 2, 3, 4 बस करो यार. नहीं, अभी नहीं, अभी इन्होंने इतना अच्छा केक खिलाया, तो केक खा के मेरे केक बन गया मेरा. ओके, सो कुछ कहना चाहेंगे आप लोग ऑडियंस को, जिस तरह से 10 मिलियन व्यू? बिल्कुल, ब्लॉकबस्टर को आप ऐसे ही प्यार देते रहे, एंड वी आर वेरी वेरी हैप्पी आपके रिस्पांस से. थैंक यू एंड कीप इट अप, कंटिन्यू. मेरा सपना है कि मैं मेरे म्यूजिक वीडियो पे 100 मिलियन देखूं, तो प्लीज देखते जाओ, थक जाओगे, ब्रेक ले लो, फिर देखते जाओ, लेकिन देखना बंद मत करना. मैं यही कहूंगी कि जैसे आपने मेरे सब गानों को इतना प्यार दिया है, प्लीज ब्लॉकबस्टर को भी एक ब्लॉकबस्टर सॉन्ग बना दीजिए, एंड गिव इट ऑल योर लव. थैंक यू. 1, 2, 3 रेडी. थैंक यू. थैंक यू.